एंड वेलकम बैक अगेन, मेरा यूट्यूब चैनल फैसल कुरैशी। आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और उसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि पिछले पार्ट में हमने कुछ प्लेज डिस्कस किए, लेकिन अब जिस प्ले की बात करूंगा वो है मैं अब्दुल कादर हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट प्ले। दो के मेरा उसमें बहुत छोटा सा एक कैरेक्टर था, पर बड़ा बामकसद कैरेक्टर था, एंड आई थिंक फहद की ज़िंदगी का एक सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है। जिस तरह से उसने उसमें गेटअप्स किए हैं, जिस तरह से उसमें उसने परफॉर्म किया है, आमना शेख ने जितना ज़बरदस्त उसमें परफॉर्म किया है, सायरा थी उसमें, सायरा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, टीपू था, टीपू ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, और बहुत सारे लोग थे, बट मेरा ज़्यादा ट्रैक जो है वो आमना और फहद के साथ था। और मैं इसलिए इस कैरेक्टर के हवाले से बात करता हूँ क्योंकि हम कभी कभी ना बच्चों के ऊपर बड़े जुल्म करते हैं, अपना आप बड़ा थोपने की कोशिश करते हैं उन बच्चों पे, और वो बच्चे फिर रिबल हो जाते हैं। सो दो ऐसे लोग दिखाए थे, एक फहद का कैरेक्टर था जो कि एक बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और एक मैं था जो कि बिल्कुल एक गांव के मौलवी का बेटा था, और दोनों पे जो प्रेशर होता है फैमिलीज़ का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब रेबल होता है, वो जब पलटता है, तो वो बिल्कुल अपने आप को चेंज करता है, और वो इस तरफ आ जाता है इस्लाम की तरफ, और वो उसकी चीज़ें जो हैं वो उसको समझाना शुरू कर देता है। और जो मेरा कैरेक्टर था जो कि एक मौलवी का बेटा होता है, उस पर जब वो प्रेशर पड़ता है तो वो बिल्कुल जो है वो बागी हो जाता है, और बागी होने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बस अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाह करने पे लग जाता है, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ HIV। तो ये एक उसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ थी। सो मैंने पहले पार्ट में भी एक बात की थी कि हम जो सीरियल्स करते हैं उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, सो हमें उसकी सोल तलाश करनी होती है। सो ये इस प्ले के अंदर एक बड़ी अच्छी बात थी, और हमने थ्रू आउट बड़ा इन्जॉय किया, कैरेक्टर बड़ा मज़े का था, और मैं छोटा सा कैरेक्टर, लेकिन मैं अभी भी याद है, मुझे याद है उसका जब हम क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे, और जिसमें मेरी डेथ हो रही होती है, और फहद जो है मैं उसके सीने से लगा हुआ होता हूँ, और वो यासीन पढ़ रहा होता है, और मैं उसके सीने से लगे लगे मर जाता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे उस दिन पता चला था कि ये कितना प्यार करता है मुझसे। It was crying like anything, और कैमरा कट हो गया था, बट फहद was crying like anything, और वो टाइम मैं कभी नहीं भूलूँगा। सो ऐसे ही हमारी मोहब्बतें, हमारे प्यार जो हैं वो ऐसे ही नहीं होती, कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं। ऐसे ही एक सीन हुआ था, मेरा एक और प्ले था यारियाँ, उसमें भी डेथ हो जाती है आखिर में, जिस पर लोगों ने कहा यार ये आपने ये क्यों मार दिया इसको। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जब उसको उसने रियलाइज़ किया कि यार ठीक है, तो हम तो प्ले में ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पंप करते हैं चीज़ों को, तो वो अपना क्या कहते हैं, उसमें भी एजाज भी बहुत रोया था उस सीरियल के एंड पे, बट उसकी बड़ी मज़े की बातें, बाबर बहुत सख्त डायरेक्टर था, ये भी बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया था, एजाज एंड बाबर एंड आसिफ भाई वॉज द प्रोड्यूसर। टर्की हम गए शूट करने के लिए, ठंड इतनी जिसकी कोई हद नहीं होती, और हालत ख़राब होती थी बाहर खड़े होते हुए, और उस हालत में हम शूट कर रहे होते थे, दिसंबर जनवरी का मौसम था और पागलों वाली ठंड थी। खैर एक दिन बाबर की कॉल टाइम होता था सुबह 7:30 बजे, वैन के अंदर होंगे सारे, मुझे 8 बजे रोल करना, ये उसकी सख्ती होती थी। और एक दिन एजाज साहब इत्तफाक से लेट हो गए, उसने तो इजाज़ को ही डांटना शुरू कर दिया, मतलब बाबर लिहाज ही नहीं करता था। इजाज़ कह रहा है भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो कहता अच्छा तो फिर डायरेक्टर भी बन जाओ, कह के नाराज़ होकर चला गया। तो फिर उसके पीछे भागे कि भाई इस तरह और टाइम ज़ाया होगा, आ जा आगे काम कर ले। बट वी हैड ग्रेट फन इन यारियाँ, और यारियाँ में एक बड़ा मज़े का ट्रैक था जमाल साहब का, जमाल शाह साहब का और समिया मुमताज़ का, और मेरे यहाँ पे एक तस्वीर भी लगी हुई है जो कि जमाल शाह साहब ने
लाइव सीन के बीच में बनाई थी समिया मुमताज़ की, तो वो तस्वीर में उठा के ले आया। मैंने कहा ये नहीं दे रहा मैं किसी को, जमाल शाह के हाथ की पिक्चर है यार, और डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है कि उन्होंने सीरियल में बनाई है। तो वो मेरे पास है इस वक्त, बिल्कुल मेरे सामने लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो जमाल शाह को उसमें दिखाया था कि ही इज़ HIV पॉजिटिव, और समिया जो है वो एक सोशल वर्कर हैं, दे उनकी शादी हो जाती है। एक्चुअली मैं उस वक्त TV1 पे शो करता था जिसमें एक कपल आया था मेरे पास, एंड दे वर लाइक दिस। तो मैंने कहा यार ये बात तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये अछूत नहीं होते जिनको HIV पॉजिटिव होते हैं, ये कोई बुरे लोग नहीं होते। किसी भी तरह से आपको, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जिसको HIV होती है वो कोई अछूत लोग नहीं होते भाई। सो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहे हैं, मैं भी कर चुका हूँ। सो ये वो कहानी थी जो मुझे मिली उस मेरे एक शो से, जिसको हमने ऐड किया यारियाँ में। और फिर नॉर्मली हमारे यहाँ दोस्तों के बीच में एक मोहब्बत का आना और वो फिर आपस में लड़ाइयाँ, उस तरह के सीरियल उन दिनों बन नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे टाइप के सीरियल होते थे। तो हमने कहा कि थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं। तो फिर हमने वो थोड़ा उसको डेवलप किया था, उस स्टोरी को। और मुझे याद है समीना एजाज साहिबा ने वो सीरियल लिखा था, और मैं जाता था उनसे, मैं और बाबर कभी कभी समीना जी से मिलने स्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैं समीना जी को छेड़ता हूँ, वो बहुत दूर रहती हैं, हमारे डिफेंस से तो बहुत दूर रहती हैं। मैं कहता कभी कराची आएँ तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो यू नो इस तरह की बहुत सारी यादें हैं। सादिया खान का वो पहला सीरियल था, और सादिया जो है उसमें उसका बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। उसका एक्सेंट का ना थोड़ा सा इशू था उस वक्त, ज़रा ज़्यादा वो डायलेक्ट उसका थोड़ा टूवर्ड्स पंजाब ज़्यादा था। तो अब सीन कर रहे हैं, बाबर यूँ बैठा हुआ है, बाबर ने जितनी वो कोशिश कर सकता था उसने उसको सीधा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑब्वियसली एक आपका अंदाज़ होता है बोलने का, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। तो फिर बाबर ने उसमें थोड़ी सी एडिशन करवाई कि वो लाहौर से कराची मूव हुई है, और वो यहाँ काम करने आई है, और उसकी जो फैमिली है इज़ फ्रॉम लाहौर, और तो इस वजह से उसका एक्सेंट जो है वो जस्टिफाई हो गया। तो ये एक इंटेलिजेंट लोगों का काम होता है जो ऑन स्पॉट फैसला करते हैं। हम खामा खां पता है कुछ एक्टर्स पे ना, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो उनका ना अंदाज़ सही करा रहे होते हैं। सो वो कराने से बेहतर है कि आप उसी अंदाज़ को यूटिलाइज़ कर लें, तो वो एक नया कैरेक्टर बन जाता है। सो इस तरह से यारियाँ हुआ, और मेरी एजाज़ की दोस्ती का एक और सबूत जो है वो यारियाँ ही है, और हमने बहुत इन्जॉय किया था उस सीरियल में। और इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स हैं, आप लिख के भेजिए कि कोई सीरियल 4-5 जिसके हवाले से मज़ीद में डिस्कस करूँ, मज़ीद में बातें करूँ, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इन पार्ट्स में मेरी अपनी बड़ी यादें ताज़ा हो गई हैं आप लोगों से बातें शेयर करते हुए। सो अगर आप लोग भी लिख के भेजते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँगा उन प्लेस के बारे में भी, उसकी जो पीछे कहानियां हैं उसके बारे में भी, और जो एक्टर्स हैं उनकी शरारतों के बारे में भी। सो इसी तरह से कुछ एक सिलसिला चलता रहेगा। कभी कभी जब आप मुझे ढेर सारे नाम लिख के भेजेंगे उसमें से मैं कुछ सिलेक्ट करूँगा, सो फिर उसमें से कुछ और बातें करेंगे। और सब्सक्राइब करवाते रहिए मेरे चैनल्स को, ख़ुद भी कीजिए, और इसी तरह से मुलाकात रहेगी। प्लान कर रहा हूँ कि कुछ मस्ती से भरा हुआ शो किया जाए, आप आइडिया दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।